हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रूबी फैमिली चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ बाथरूम डीप क्लीनिंग ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। किस तरह से मैं अपने बाथरूम को साफ रखती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वॉश बेसिन को साफ करने। यहाँ पर मैं हार्पिक डाल के इसे अच्छी तरह से साफ कर लूँगी, इससे बेसिन अच्छी तरह से साफ हो जाता है। अगर वेसिंग वगैरह पुराने हो जाते हैं, उस पर दाग वगैरह रहते हैं, इस हार्पिक से वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फुल वॉच करके जाइएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अब नीचे का भी पैंप वगैरह को मैं अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। यहाँ पर क्लीनिंग हो चुका है। ये देखिए वेसिंग साफ होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बाथरूम साफ करने। यहाँ पर मैं सबसे पहले जाले वगैरह निकाल लूँगी, उसके बाद मैं बाथरूम साफ करूँगी। आप लोग एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। ऊपर से टाइल्स वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, अब बस नीचे का बचा हुआ है। चलिए सबसे पहले इस कुर्सी को धो के बाथरूम से निकाल देते हैं, उसके बाद मैं नीचे का साफ़ करूँगी। यहाँ पर जो शैम्पू वगैरह के डब्बे हैं उसे भी अच्छी तरह से धो के उसके सही जगह पर मैं रख देती हूँ। यहाँ पर मैं नीचे का टाइल्स वगैरह को अब अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। बाथरूम तो क्लीन हो चुका है, अब यहाँ पर जो बाथरूम के बाल्टी वगैरह टब वगैरह हैं उसे मैं अच्छी तरह से साफ कर लूँगी।
पर टप वगैरह और बाल्टी ये सब साफ़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बाथरूम के दरवाजे को साफ़ कर लेती हूँ, गीला कपड़ा से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और ये काम मैं सप्ताह में हमेशा करती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से बाथरूम कभी भी गंदा नहीं रहता है, शीशे जैसा चमकते रहता है। ये देखिए, चलिए अब नीचे का फर्श साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से। बाथरूम मेरा क्लीन हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, बाथरूम क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से मेरा बाथरूम दिख रहा है, शीशे की तरह मेरा बाथरूम चमक गया है फ्रेंड्स। आई होप मेरा ये बाथरूम डीप क्लीनिंग आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये बाथरूम क्लीनिंग। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।